आप देख रहे हैं CN24। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो गोरखपुर इकाई द्वारा गोरखपुर एयरपोर्ट पर जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एयरपोर्ट के डायरेक्टर अनिल द्विवेदी ने कूड़ाघाट तिराहे पर शहीद गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के विभिन्न स्थानों पर होते हुए प्रचार प्रसार का अभियान चलाएगी। इसके साथ पैम्पलेट भी वितरित किया गया और उपस्थित लोगों ने कोविड-19 से लोगों को जागरूक करने हेतु संकल्प लिया। उपनिदेशक नरसिंह राम ने एयरपोर्ट के डायरेक्टर अनिल द्विवेदी को एक पौधा भी भेंट किया। इस अवसर पर एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कोविड-19 का संदेश जनता को दिया है उसे फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क हमेशा पहने। जनता से मेरी अपील है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, अपने हाथों को धुलें और भीड़ में इकट्ठा ना हो और इसी का पालन करें, जिससे कि जो है एक जिसको इस कोरोना को फैलाव जो हो रहा है उसमें रुकने में सहायता मिलेगी। उपनिदेशक क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो गोरखपुर नरसिंह राव ने बताया कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से लोगों को जागरूक करने हेतु 3 दिवसीय प्रदर्शनी एवं जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जो शहर के विभिन्न हिस्सों में पैम्पलेट पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगी। पूरा देश आज की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। इसी क्रम में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो गोरखपुर द्वारा 3 दिवसीय एक सचल प्रदर्शनी और कोरोना जागरूकता रथ का हम लोगों ने आज झंडी दिखा करके रवाना किए हैं और एयरपोर्ट के निदेशक अनिल कुमार द्विवेदी जी ने आज झंडी दिखा करके रवाना किया है और यह कोरोना जागरूकता रथ जो राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है वो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कूड़ाघाट, पैडलेगंज, हद्दीपुर, गोलघर इत्यादि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिन ये प्रचार प्रसार करेगा और बहुत सारे पंपलेट और साहित्य भी और हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे प्रचार साहित्य और पोस्टर बैनर के माध्यम से जहां कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे वहीं आज राष्ट्रीय एकता दिवस के महत्व को भी बताएंगे कि सरदार पटेल जो लोग पुरुष कहे जाते हैं उनका राष्ट्रीय एकता में कितना बड़ा।